त्रिगी, ये देख रहे हो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का विकास नगर, और लखनऊ के विकास नगर में आपको विकास साफ दिखाई दे रहा है। और किसी ने वीडियो बना ली और बोल रहा है कि देखिए लाइव में ही इतनी सड़क धस गई, 15-20 फुट गहरा गड्ढा हो गया। और ये तो शुक्र मनाइए कि वहां से बाइक वाला एक बाल बाल बच गया। और जो वीडियो बना रहा था वो चिल्ला रहा था पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, और साफ साफ दिखाई दे रहा कि किस तरह से यह लखनऊ का जो विकास नगर है उसमें विकास होता दिखाई दे रहा है। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले हमने आपको परसों भी दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा गड्ढा हो गया था, और उसके भी लाइव वीडियो आई थी। और अभी ये देख लीजिए आप, और हालांकि विकास नगर में विकास हो नहीं पा रहा है, और उत्तर प्रदेश में बहुत जगह यही हाल दिखाई दे रहा है, और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा विकास हो रहा है। लेकिन क्या करें, अब हो रहा है तो हो रहा है, इसको कौन रोक सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बारिश इतनी आई नहीं है जितना विकास अब रहता दिखाई दे रहा है। और यह कोई एक जगह पर नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी दिखाई दी है जहां पर के सड़कें ऐसे दस्ती नजर आ रही है। तो लोग सवाल उठा रहे कि आखिरकार हमारी सरकारें कर क्या रही है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, देश की और दुनिया में न जाने क्या क्या आ चुका है, और दुनिया कहाँ जाती जा रही है, लेकिन हम कहाँ है। हमारा तो जो विकास पहले होता था वो भी रुका पड़ा है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर सड़कों पर ऐसे हालात है तो फिर कैसे कोई सुरक्षित है। और बड़े बड़े दावे करती है सरकारें, लेकिन उन दावों की ऐसे पोल खुल जाती है। अब इसको आप देखकर खुद ही सोचिए कि इसमें कौन सा विकास हो रहा है। अब देखिए ऐसा विकास क्या कोई चाहेगा करना अपने देश में। और जब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में इतने सालों गए आजाद हुए, और उसके बावजूद भी आज भी हम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये विकास हो गया वो विकास हो गया, लेकिन देख लीजिए ये विकास हुआ है हमारे देश में। और उत्तर प्रदेश के तो आजकल कुछ ज्यादा ही वीडियो जा रही है, पता नहीं अब या तो कोई कह रहा कि ये इंजीनियर ही खराब है, अनपढ़ गवार आ गई है, और तो फिर सोच रहे हम कि आखिरकार फिर वो उनको नौकरी कैसे मिल गई, या फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी कुछ ज्यादा ऊपर वाले लेवल का हो गया कि हर जगह सड़कें धंसती जा रही है। अब आप सोचिए कि पहले अयोध्या में रामपथ का जो हाल हुआ, जो वहां पर सड़क धंसी जगह जगह गड्ढे हुए, तो उसको लेकर सवाल उठने लगे थे। और फिर अभी परसों की बात है मुजफ्फरनगर में भी ऐसी ही सड़क धस गई, वहां पर भी बाल बाल बचे लोग, वरना आप सोचकर देखिए कि एकदम से इतनी सड़क धस जाती है, इतनी गहरा गड्ढा हो जाता है, तो फिर उसमें कोई भी डुबकी लगा सकता है। और यहाँ पर देखिए ये तो चौक था जो ये विकास नगर है, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है, और वहां पर ये हालात है, तो फिर आप समझ सकते कि जो गांव शहर होंगे छोटे मोटे उनका क्या हाल हुआ होगा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया इसको दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे देश की मीडिया भी पता क्या बोलेगी, यही नहीं बोलेगी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ होगा, सड़क खराब बन रही है, नहीं, वो क्या बोलेंगी कि ज्यादा बारिश हो गई इसलिए पानी में ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो सरकार की कमियां नहीं दिखाएंगे। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ठेकेदार पैसे खा गया होगा, या सरकार ने कहीं ना कहीं नकली माल इस्तेमाल किया है तभी ऐसे सड़क धस रही है, लेकिन ये बातें कहेगा कौन। हमारे देश की मीडिया तो सरकार की सिर्फ चापलूसी करना जानती है, अगर सवाल पूछ लिया तो फिर उनको एडवर्टाइजमेंट कौन देगा, अगर सवाल पूछ लिया तो फिर उनके टीवी चैनल पर खतरा आ जाएगा। और हमारे देश की मीडिया तो यही करने में लगी हुई है। और जो ये हमने आपको शुरुआत में ही वीडियो दिखाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर ये सड़क दस्ती दिखाई दे रही है, और इसकी वीडियो भी बना रहा कोई शख्स, और वो साथ में चिल्ला भी रहा है लोगों को कि पीछे हट जाइए पीछे हट जाइए, क्योंकि वो साफ दिख रहा है सड़क इतनी दस्ती जा रही है, और किसी सड़क में 15-20 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है तो फिर वो सड़क कहाँ रह गई है, वो तो नदी बन गई वहां की। और हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो ये विकास नगर है, यहाँ पर तो फिर नदियों का विकास हो गया है, तो सड़क बना रहे थे कि नदियां बना रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा तरीका अपनाया इन लोगों ने कि हर जगह ही ऐसे हो रहा है। अब आप सोचकर देखिए कि चलो ठीक है, मान लिया कि इंजीनियर कोई हो सकता है कि गड़बड़ हो गई हो किसी से, एक आधे से हो गई हो, अब ये बताइए रामपथ में जो हुआ वो भी क्या इंजीनियरों की गड़बड़ थी, अब मुजफ्फरनगर में हुआ जो वो भी इंजीनियर की गड़बड़ थी, अब जो ये विकास नगर में हुआ ये भी इंजीनियरों की गड़बड़ है, नहीं ये इंजीनियरों की गड़बड़ नहीं है, ये सरकार की नीयत में खोट है, और सरकार की नीयत खराब थी तभी ये ऐसी सड़कें धस रही है। वरना आप सोचकर देखिए अभी तो इतनी ज्यादा बारिश आई भी नहीं है कि सड़कें धस जाए, और
क्योंकि आप सोचे कि पिछली सरकारों में भी बारिश होती थी ना पता हो तो, लेकिन पिछली सरकारों में ऐसी सड़कें नहीं दिखती थी। ठीक है भ्रष्टाचार होता होगा मानते हम, हर टाइम में होता ही है, लेकिन क्या इतना कि सड़कें इतनी बुरी तरह 15 15 20 20 फुट गहरे गड्ढे हो जाए उनमें, और ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रही है देश की जनता के साथ भी, उनकी जिंदगी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा, और शायद यही कारण है कि ऐसे खराब मटेरियल यूज किया जाता है और ऐसी सड़क धस जाती है। हालांकि जब ये सड़क धसने का वीडियो सामने आया तो उसके बाद नगर निगम ने वहां की आवाज आई तो बंद कर दी ताकि किसी के साथ दुर्घटना ना हो, लेकिन आप सोचकर देखिए कि अगर वहां पर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि अब जनता की तो कोई इसमें गलती है नहीं, जनता तो निर्दोष है बेचारी, वो तो अब सड़क पे नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? और आप सोचकर देखिए कि रेल ट्रेन में जाए तो वहां रेल सुरक्षित नहीं है, बस में यात्रा करे वहां सुरक्षित नहीं है। अब तो हालात ये पैदा हो गए कि उत्तर प्रदेश में तो पैदल चले तो वहां भी सुरक्षित नहीं है, कि ये नहीं पता कब धरती समा जाए, कब जल समाधि ले ले सड़क, अब ये होता नजर आ रहा है। और इसको लेकर कुछ लोग मानेंगे नहीं, सरकार की गलती नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं इस बात को कि सरकार ने कुछ गलत किया होगा, क्योंकि उनको नजर ही नहीं आ रहा, उनके ऊपर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब आप बताइए, खुद देखकर बताइए कि इतना इतना विकास कौन करता है भाई? देखना जरा ये वीडियो देख लीजिए आप, इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है, इसमें अगर कोई गिर जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती? और सोचने वाली ये बात है कि अब इसके ऊपर भी कुछ लोग सवाल नहीं उठाएंगे, क्यों? उनको सिर्फ सरकार की चापलूसी करनी है, और हमारे देश की मीडिया कौन सा सवाल उठा रही है? ये भी जो आप वीडियो देख रही है ये भी कुछ न्यूज चैनलों ने वेबसाइट वगैरह पे जरूर डाली है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि टीवी में अच्छे से दिखा सके, इसके ऊपर 1 घंटे बहस कर सके। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा होता वहां पर सारा दिन रात लगे रहते वो लोग, एक एक बात पर ही 10 10 डिबेट कर देते। आपको याद है ना अभी वो राहुल गांधी ने संसद संसद में जो बोला था कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, उसी वीडियो को छोटी सी क्लिप काटकर उसी पर टीवी चैनल वाले बहस करने को तैयार है, लेकिन ऐसे जो मुद्दे हैं उनको नहीं छुएंगे। क्यों? उनसे डर लगता है, क्यों? उनको लगता है कि सरकार की पोल खुल गई तो फिर हमें साथ कौन देगा, हमारा आसरा कौन रहेगा? अगर सरकार के खिलाफ हम ही बोलने लग गए तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? ये समस्या है हमारे देश की मीडिया की, और ये कहीं ना कहीं नुकसान किसका होता है? क्योंकि देश की मीडिया का कुछ नहीं जाना, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ना, इसमें अगर मरेंगे 10 के तो वो भी आम इंसान मरेंगे, आप और हमारे जैसे लोग ही मरेंगे, क्योंकि और तो किसी को आना जाना है नहीं इधर को। और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की कि दुनिया कहाँ की कहाँ जाती जा रही है। एक तरफ तो हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रहे हैं और कह रहे कि ये विकास कर दिया वो विकास कर दिया, लेकिन जो पहले वाला विकास था उसको डुबो के मार दिया बेचारे को, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, और ये कहीं ना कहीं कमजोरी है जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।